ऊर्जा कहीं भ्रास नहीं होता है, ऊर्जा को अपने शरीर में रखा जाता है, संजोया जाता है और समय पर उसका है जो निष्कासित कर अपने कार्य में लगाया जाता है। ऐसे मैं ऊर्जावान हूँ, ऊर्जावान रहूंगा, मरते मरते दिन तक मैं ऊर्जावान रहूंगा, ऐसा मैं आपको। सेवानिवृत्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनंत कुमार का थमलगोला प्रखंड अंतर्गत अपने पैतृक गांव करजान लौटने पर ग्रामीणों द्वारा गाजे बाजे के साथ किया गया भव्य स्वागत। गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहले अपने काफिले के साथ दुर्गा स्थान में उन्होंने हाजिरी लगाकर क्षेत्रवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की। अपने जबरदस्त गर्मजोशी से हुए स्वागत अभिनंदन से अभिभूत अनंत कुमार ने कहा कि वे लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें जन्मभूमि पर सम्मान मिलता है। मैं पहले की ही भांति गांव, पंचायत और इलाके के लोगों की नी स्वार्थ भाव से प्रतिबद्धता पूर्वक सेवा करता रहूंगा। उन्होंने अपने इस संकल्प को दोहराते हुए कहा कि उनके द्वारा कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं होगा जिससे समाज का माथा झुक जाए। याद हो कि अनंत कुमार अपने कर्म क्षेत्र के एक चर्चित समाज सेवी भी हैं, जिनका समाज की उन्नति में उत्कृष्ट योगदान रहा है। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाले अनंत की सोच भी क्षेत्र के विकास हेतु अनंत है। वर्तमान में उनकी पुत्रवधु ग्राम पंचायत राज करजान की मुखिया है। अपने पूर्वजों से मिले संस्कारों को सहेजते हुए सफलता की राह पर चलने वाले अनंत में क्षेत्रवासियों को एक कुशल व सफल नेतृत्वकर्ता की छवि नजर आने लगी है। बहरहाल अनंत कुमार के बारे में यह कयास लगाया जा रहा है कि वे शीघ्र ही अपनी सियासी पारी की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमंत कुमार, उनकी धर्मपत्नी इंदु देवी, पुत्री कुमारी वसुंधरा, पुत्र डॉक्टर अंबुज कुमार, पुत्रवधु मुखिया आरती कुमारी, रामचंद्र प्रसाद सिंह, विजेंद्र सिंह, पूर्व बीओ श्याम सिंह, जदयू के थमलगोला प्रखंड अध्यक्ष राम कुमार शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग मौजूद थे। थे शिक्षा महात्मा जी तो कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आपने पूरा सेवा काल जो है निर्विवाद रहा और आज आपका भव्य स्वागत है कल्याण के लोग की, इसे किस रूप में आता है? मैं जो सेवा किया वह एक स्वच्छ मन से किया, जिसका नतीजा है कि बहुत सी बाधाएं आई इस 33 वर्षों में जो अपने आप समाप्त होते गए, ढहते चले गए। आवाज वह दिन आया कि मैं स्वतंत्र रूप से निर्विवाद स्वच्छ निर्विवाद रूप से आज सेवानिवृत्त हुआ और आज मैं अपने गांव में आया हूं और आप लोगों के सामने हूं। आपके स्वागत में जो है युवकों का दल जो है, बाढ़ का नेता कैसा हो अनंत कुमार जैसा हो नारेबाजी किया, तो क्या नई पारी का शुरुआत ही समय? ऐसे भी प्रथम पाली तो हमारी समाप्त हो ही चुकी है 31/1/1923 को, पारी तो शुरुआत करेंगे मगर कौन सा खेल का वह शुरुआत होगा यह मैं अभी नहीं कह सकता। और हमारे युवाओं स्वतंत्र अभिव्यक्ति का लोग रहे, अपने स्वतंत्र बोलने के लिए सब स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति देने के लिए स्वतंत्र हैं, और अगर वो लोग बाहर का नेता कैसा हो अनंत कुमार जैसा हो कहें तो उस पर मैं विराम तो नहीं लगा सकता और न ही मैं उनको डांट सकता हूं। अगर उनका उद्गार यह होता है, वह बोलते हैं, तो यह उनकी सोच है। नहीं, आपके द्वारा भी तो एक बार बहुत जोर लगाया गया था। उस वक्त जोर लगाया गया, उस वक्त थोड़ी सी कसर रह गई थी उस वक्त
जोर लगाया गया मगर छुप छुप के जोर लगाया गया, क्योंकि उस वक्त मैं सेवा में था। अब मैं सेवा से बाहर हूँ। अगर हमारे नवयुवक भाई लोग चाहेगा, आप लोग जो हैं मीडिया कर्मी हमारे हैं, अगर आप लोग चाहेंगे कि बार विधानसभा में एक स्वच्छ छवि वाले विधायक बने, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ चलूं। तो क्या सेवानिवृत्ति के बाद आप इस प्रकार से जवान तरीके से राजनीति में दखल देंगे? पहले से अब वो ऊर्जा रही? ऊर्जा तो देख रहे हैं अभी भी। आज मैं 60 साल का हूं, लेकिन अच्छा से चल लेता हूं, घूम लेता हूं। ऊर्जा लाया जाता है, ऊर्जा कहीं भ्रास नहीं होता है। ऊर्जा को अपने शरीर में रखा जाता है, संजोया जाता है और समय पर उसका है जो निष्कासित कर अपने कार्य में लगाया जाता है। ऐसे मैं ऊर्जावान हूँ, ऊर्जावान रहूँगा, मरते मरते दिन तक मैं ऊर्जावान रहूँगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बाढ़ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बाढ़ के लोग मेरे अपने हैं, और अगर वो लोग अपना प्रेम देंगे तो मैं अपने प्रेम से उनको जरूर बांधूंगा। और बाढ़ की जनता ही से तो उम्मीद है कि मुझे कहीं से कहीं ले जा सकता है। हमें क्या उम्मीद है, हमें क्या है, कोई ताकत नहीं है। बाढ़ की जनता से मुझे आशीर्वाद प्राप्त करने की उम्मीद है, और मुझे लगता है कि लोग आशीर्वाद मुझे देंगे, चाहे जिस रूप में दें।